हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर मैं आप लोगों को ढेर सारे पेड़ पौधे फूलों के बारे में बताती रहती हूँ, कौन से फूल लकी होते हैं, कौन से देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं, किस दिशा में लगाने चाहिए और कैसे कैसे फूल आपको अपने गार्डन में रखने चाहिए, कौन से फूल आपको डिप्रेशन तक से आपको निजात दिला सकते हैं, आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ फूल आपको इतना धनवान बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ऐसा ही एक अद्भुत फूल है, स्पेशली अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत खराब हैं या घर में आप दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं रूम में घुसते, तो ये फूल आपको अपने प्लांट गार्डन में जरूर रखना चाहिए। और गार्डन में ना भी रखें तो कम से कम बाजार से ला करके इसे अपने बेडरूम में जरूर सजाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसको बेडरूम में ना भी सजाना चाहें, आप माता लक्ष्मी को ये फूल अगर रोज चढ़ा सके, शाम के वक्त आपको ये माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। अद्भुत फूल है दोस्तों, कामदेव का फूल माना जाता है और इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि मैं बता नहीं सकते। अगर आपके घर में या मंदिर में या आश्रम में कहीं पर पे भी अगर वातावरण को शुद्ध करना है तो इसे लगाना चाहिए। इसके पुष्प पर, इसके फूल पर दोस्तों मधुमक्खियां नहीं बैठती है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और चंपा को कामदेव की 5 फूलों में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे नाग केसर के बारे में बात की थी, चंपा के फूलों के बीच का जो केसर होता है उसके बारे में बात की थी। दोस्तों, आज मैं चंपा के फूलों की बात कर रही हूँ। देवी माँ के चरणों में अगर आप चंपा के फूल चढ़ाते हैं तो माना जाता है माला माल हो जाते हैं। आज शाम को दोस्तों आपको ये छोटा सा उपाय करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में जब आप पूजन करें, शुक्रवार का दिन है, और नहीं तो आप चाहें तो रोज भी ये फूल चढ़ाएं तो बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, चंपा के फूलों की अपनी एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। दोस्तों, इसे अमर फूल कहा है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, और पुन्नाग प्रजाति के फूल का संबंध दोस्तों भगवान विष्णु से माना जाता है। दोस्तों, चंपा के फूल को अन्य फूलों जैसे अशोक है, पुन्नाग है, ये सब चीजों के साथ कंपेयर करते हैं और वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप बौद्ध मंदिर में जाएंगे साउथ एशिया में तो आप देखेंगे वहां पे सिर्फ चंपा के फूल सजाए जाते हैं। कफ प्रदोष रक्त संबंधी जो भी तकलीफें होती है, आपके अगर पेट में कोई पीड़ा है तो दोस्तों वो भी दूर करता है। अगर सिर दर्द आपके सिर में ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, इसको पत्तों को कुचल करके आप इसको धूम्रपान की तरह उपयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कैसे आपका सिर दर्द रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों, चंपा का वृक्ष अगर आप घर पे लगा लेते हैं, चंपा के फूलों से आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितने सारे पॉजिटिव बदलाव होंगे। दोस्तों, आज जिन लोगों के पास घर में जगह है, जैसे छोटे छोटे बंगलोज हैं या बड़े बंगलोज हैं या घर हैं, मकान हैं अपने, आप चाहें तो इसे बालकनी में सजा सकते हैं दोस्तों। और आप देखेंगे आपके घर में अगर किसी को डिप्रेशन है तो रोज़ एक ये फ्लावर आप उनको गिफ्ट कर दीजिए, बड़ा से बड़ा डिप्रेशन माना जाता है इससे दूर हो जाता है। दोस्तों, इसे संस्कृत में कर्णिकार कहा जाता है और हमारे घर की तो शोभा बढ़ाता ही है। दोस्तों, साथ ही साथ इसकी जो मंजरियां हैं वो महिलाओं को कर्णाभरण के रूप में बहुत पहले से यूज़ की जाती है। दोस्तों, कालिदास ने अपने काव्य में भी अशोक के साथ अनगिनत स्थानों पर कर्णिकार का उल्लेख किया है। और चंपा के खूबसूरत मंद सुगंधित हल्के सफ़ेद और पीले फूल अक्सर पूजा में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, इतना खूबसूरत फूल है, इसके बाद में भी भगवान शिव का पसंदीदा फूल माना जाता है ये। लेकिन ध्यान रखें, भगवान शिव का पसंदीदा फूल होने के बावजूद भी चंपा को उनको अर्पित नहीं किया जाता है। पूजा पाठ में हम सभी देवताओं को उनका पसंदीदा फूल अर्पित करते हैं और माना जाता है कि उससे वो खुश होते हैं, लेकिन भगवान शिव को अपने पसंदीदा फूल से दूर रहना पड़ता है। दोस्तों, चंपा उनको अर्पित नहीं किया जाता है, इस फूल को भगवान शिव की पूजा से दूर रखा जाता है। और इसका रीजन है दोस्तों, यहाँ लिंगराज मंदिर में
जहां शिव ने खुद बुझाई थी, देवी पार्वती की प्यास गलत नीतियों के चलते तोड़ा था फूल। माना जाता है एक बार नारद मुनि को पता चला कि एक ब्राह्मण ने अपनी बुरी इच्छाओं के लिए चंपा के फूल तोड़े, और जब नारद मुनि के वृक्ष से पूछा कि क्या किसी ने इसके फूल को तोड़ा है, तो पेड़ ने इनकार कर दिया। दोस्तों, सच्चाई जान गए नारद मुनि, और इसीलिए पूजा पाठ में देवी देवताओं को जब हम फूल चढ़ाते हैं तो चंपा का फूल नहीं चढ़ाए जाते। ठीक है, शिव मंदिर में शिवलिंग को चंपा के फूलों से ढका हुआ पाया तो उन्हें सारी सच्चाई समझ आ गई, और उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि ब्राह्मण ने भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की है, और भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण एक शक्तिशाली राजा बन गया जिसने गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया, और भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की मुराद पूरी की। दोस्तों, जब नारद ने भगवान से उस ब्राह्मण की मदद करने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि जो चंपा के फूल से मेरी पूजा करता था उसे वह मना नहीं कर पाए। दोस्तों, शिव जी का पसंदीदा फूल था ये। इसके बाद नारद मुनि वापस आए और चंपा के वृक्ष को शाप दे दिया कि उसके फूल से कभी भी भगवान शिव की पूजा नहीं होगी और वो स्वीकारे नहीं जाएंगे, क्योंकि वृक्ष ने उनसे झूठ बोला और उन्हें गुमराह करने की भी कोशिश की। दोस्तों, इसी वजह से आज तक शिव जी को चंपा के फूल नहीं चढ़ाए जाते, और चंपा के फूल इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि जिस पे भी आप ये फूल चढ़ा देंगे दोस्तों, वो माना जाता है माला माल कर देते हैं आपको। जिस भी देवी देवता को आप चाहे तो विष्णु भगवान को चढ़ाएं, आप चाहे तो माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो करके, आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो करके आपके घर में आप माला माल हो जाते हैं। जहाँ एक और वातावरण को चंपा बहुत ही खुशनुमा बनाती है, और जहाँ हमारे घर में इसको आप अगर अपने लिविंग रूम में 5 या 7 फूल आप इसे सजा के अपने ड्राइंग रूम में थोड़े से पानी में दिन भर के लिए इसे रख देंगे दोस्तों अपने लिविंग रूम में, तो आप देखेंगे कैसे आपके घर से क्लेश का वातावरण दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू आदि में जा रहे हैं, और अगर आप कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी डीलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप माता लक्ष्मी का नाम लेकर के एक ये फूल चुपचाप अपने पॉकेट में रख के चले जाएं, आप देखेंगे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो भी अड़चने आ रही होती है आपके कार्य आदि में वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, चंपा का फूल बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो आप रोज़ उसकी स्टडी टेबल पर 2 या 3 फूल आप वहाँ सजा दें। आप चाहें तो सिर्फ एक फूल भी रख सकते हैं, और थोड़े से जल में इसको रख दें दोस्तों, और आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चा स्टडीज़ में तेज होने लगता है। दोस्तों, जहाँ एक ओर चंपा के फूल हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास करते हैं, ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, अगर आप इसको पूजा रूम में किसी लोटे में डाल करके रख दें, या फिर सभी देवी देवताओं को, शिव जी को छोड़ के आप इसको सभी देवी देवताओं को चढ़ाएं, आप देखेंगे दोस्तों कि आपके घर में तन मन तो सबका शुद्ध रहता ही है, साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे तो आपके घर पर धन संपत्ति का आगमन होने लगता है। दोस्तों, फूल सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं होते, अलग अलग देवताओं पर अलग अलग फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शनि देव बोलिए, श्री हरि विष्णु बोलिए, श्री कृष्ण बोलिए, लक्ष्मी माता बोलिए, सभी को फूल बहुत ही प्रिय होते हैं और हमारी किस्मत को बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं पर अगर हम फूल चढ़ाएँ तो हमारे जीवन से कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और धन समृद्धि में वृद्धि तो होती ही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, कुंडली में अगर शुक्र ग्रह आपके 8वें भाव में हो, यानी कि बहुत ही अशुभ माना जाता है, और अशुभता के प्रभाव को कम करने के लिए किसी से दान न लेकर के आप खुद के पास से तांबे का सिक्का ले लें, और ये चंपा का फूल आप अगर नाले में 43 डेज तक फेंकते हैं, गंदे नाले में आपको फेंकना है दोस्तों, तो आपके जो भी अशुभ ग्रहों का जो फल है आपको मिल रहा है वो सभी दूर हो जाता है।
कुंवारी लड़कियों के अगर शादी में बाधाएं आ रही है, कुंवारी लड़कों के विवाह में बाधाएं आ रही है, तो आपको किसी भी खाली जमीन पे जाना है जहां पे इसके पहले कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो, वहां पे लकड़ी ले लें आप, नीम की लकड़ी ले लें, कोई भी तुलसी की लकड़ी ले लें, उससे आपको ज़मीन खोदना है और उसके अंदर 5 चंपा के फूल आपको नीचे दबा देने हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका बहुत जल्दी शादी का योग बनने लगता है, और उसको दबा समय आप विष्णु भगवान का ध्यान रखें, लक्ष्मी माता का ध्यान रखें, इससे धन संपत्ति का आगमन तो होता ही है, साथ ही साथ आपके जीवन की बहुत तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो आपको शाम के समय आप ये उपाय करें, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का एक छोटा सा पूजन अपने घर पे रख लें, पंचोपचार, चाहे तो तस्वीर रख लें, चाहे तो मूर्ति रख लें, और उस पे आपको फिटकरी के 5 टुकड़े लेने हैं, 5 आपको ये फूल लेने हैं चंपा के, और 1 आपको कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी जो होती है वो लेनी है। इन सभी को रख करके आप माता लक्ष्मी की पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, और एज इट इज उसको छोटे से 80 सेंटीमीटर कोई भी लाल या पीला रंग का रेशमी कपड़ा ले लें, और इन सब को एक साथ बांध कर अपने पास लॉकर में या अपने पॉकेट में या पर्स में रख लें। दोस्तों आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं या किसी भी व्यापारिक डील के लिए जाएं, या फिर आप एग्ज़ाम कोई IAS का या कोई बड़ा एग्ज़ाम देने जाएं, तो इसको आप अपने पास रख लें, और वापस आने पर दोस्तों उन टुकड़ों को आप संभाल के रखें, आप देखेंगे कैसे आप मिनटों में मालामाल होते हैं, आपके सभी प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं गुरु आपका गुरु ग्रह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है, या सोमवार के दिन आपका चंद्र डाउन में है, चंद्र बुरी स्थिति में है, तो आप किसी भी नदी में जा करके आप 8 या 9 फूल ये ले लें, और इनको आप वो नदी में बहा दें। उस समय आप अपने देवता से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे देवता, मैंने ये चंपा के फूल आपको अर्पण किए हैं, कृपा करके मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करो, इसके साथ हो सके तो एक तांबा का पैसा भी हो सके तो आप बहाएं, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों एकादशी है, एकादशी आने वाली है, और एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण को ये फूल चढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाती है। ध्यान रखें एकादशी के दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन के समय सोना नहीं है, तेल में बना हुआ खाना नहीं खाना है, आप घी में बनाएं, कांसे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और व्रत अगर ना भी रखें तो प्याज लहसुन और चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आप इन चंपा के फूलों से करें, चाहे तो चंपा के फूल ना मिले तो आप कमल के फूल चढ़ाएं, नीले रंग के कमल चढ़ा सकते तो और भी लाभदायक होता है, और दोस्तों आप किसी को भी इस फूल के द्वारा वश में भी कर सकते हैं। दोस्तों माता तारा देवी का वशीकरण करना चाहते हैं किसी का, तो माता तारा देवी को आप इन चंपा के फूलों को चढ़ाएं, और रुद्राक्ष के बने कानों के कुंडल, सूर्य शंख, नीले रंग के वस्त्र, अनार के दाने प्रसाद स्वरूप, और भोजपत्र पर रिंग लिख करके चढ़ाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों तारा माता की पूजा अगर आप विधिवत करते हैं तो माता तारा आपके ऊपर, अपने भक्तों पर विशेष रूप से प्रसन्न होती है। दोस्तों अगर आपके घर में धन नहीं टिकता, बरकत नहीं होती, बहुत सारा धन आता है पर पानी की तरह निकल जाता है, तो आपको एक नारियल लेना है। आप किसी भी दिन शाम को, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए विशेष माना जाता है दोस्तों, आज भी कर सकते हैं, और या फिर आप किसी भी दिन शाम को ये उपाय करें, एक नारियल ले लें, लाल पीला नीला कोई भी एक फूल ले लें, और साथ ही साथ चंपा का एक फूल ले लें, माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। दोस्तों आप 9 दिन ये पूजा करें, और 9वीं के दिन ये जितने सारे फूल हैं इसको साइड रखते जाएं, सारे फूल 9 दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप नदी में बहा दें, और नारियल जो है उसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आप एक हफ्ते के अंदर आपके मालामाल होने के योग बनने लगते हैं। अगर बहुत दिनों से आपके पास काम नहीं आ रहा था तो काम आने लगता है, धन अगर पानी की तरह बह रहा था तो धन की बरकत
बरकत बढ़ जाती है। दोस्तों अगर ज़्यादा मेहनत करने पर भी बरकत नहीं हो रही है तो माता लक्ष्मी की पूजा में कमल के साथ साथ आप चंपा के फूलों को भी रखें और इस फूल को आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। दोस्तों भगवान विष्णु हो, भगवान माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, इन सभी को अगर आप ये फूल चढ़ाते हैं तो आपकी विशेष रूप से ठाकुर जी को यानी कि कृष्ण भगवान को आप ये फूल चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल है, अमर फूल माना जाता है कामदेव का, पति पत्नी के बीच में झगड़ों को दूर कराने वाला माना जाता है। कर लीजिए उपाय और अगर आपको लगता है कोई भी आपके आसपास डिप्रेशन का मरीज है कि पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा होते हैं या फिर धन नहीं आ रहा है, उनके घर में धन के आगमन के योग नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों लगा लीजिए ये फूल अपने घर पर या फिर अगर आपको मार्केट से मिल सकते तो वहाँ से ले लें। आप एक्चुअली वॉक करेंगे तो कहीं पर भी किसी ना किसी घर में आपको ये पौधे लगे हुए मिल ही जाएंगे। दोस्तों खूबसूरत बंगलोस से झांकते हुए नजर आएंगे और आप ये यूज करें दोस्तों और देखेंगे किस प्रकार आपकी जीवन में अद्भुत चेंजेस आ जाते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी।